मम्मी मम्मी तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए मेरे दोस्तों के पास, ठीक है मैं उनके पास खेल के आ जाऊंगा शाम तक। भैया भैया। हाँ मेरी छोटी बहना क्या कह रही है? भैया मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आ जाऊंगा। जल्दी आ जाइयो मेरे बेटे। हाँ मम्मी ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। भैया प्लीज मेरे लिए तुम चॉकलेट जरूर लेके आना। अरे छोटी मैंने कह दिया ना, मैं तेरे लिए चॉकलेट जरूर लेके आऊंगा, तू टेंशन मत ले। हाँ पर जल्दी आ जाइयो बेटा घर पर। मम्मी शाम होने से पहले आ जाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लिया करो, आप लोग इतनी टेंशन करते हो ना तो तुम्हारा बीपीआई हो जाता है, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, इसलिए बीपीआई मत करा करो। अरे बेटे बस तू ही मेरा सब कुछ और तेरी छोटी सी बहन। हाँ ठीक है मम्मी, अब इतना इमोशनल ड्रामा मत करो, मुझे खेलने जाना है, मुझे फालतू में सैड कर दोगे अब। चलो चलता हूँ अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए जल्दी से, आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लेट्स गो। आ रहा हूँ सिंचन, हम लोग खेलेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जल्दी चलते हैं, बल्ले बल्ले। ओ वाओ कितना ठंडा पानी आज तो, कितना मस्त मौसम है, सही में मजा आ रहा है मेरे को तो बहुत ज्यादा। ये मैंने गॉडज़िला को तो मार डाला था, पर उसने अपनी वाइफ और उसके दो बच्चों को बचा लिया था मुझसे, पर मुझे आखिरकार उनका भी पता चल चुका है, अब मैं जाकर उसकी वाइफ और उसके दोनों बच्चों को भी मार डालूंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ पर है इसकी वाइफ? ये रही। तुम कौन हो? मैं हूँ वो जिसने तुम्हारे पति को मारा था, और अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी मैं मार डालूंगा। प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा और तुम्हें भी, सबको मार दूंगा मैं। मैं किसी भी गॉडज़िला को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ मैं ही गॉडज़िला बनूंगा, सबसे पावरफुल गॉडज़िला। मम्मी बचाओ मम्मी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है लड़की, तू मरेगी। कितनी छोटी सी कीड़ी थी, एक ही बार में मैंने उसको मार डाला, पर इसके दो बच्चे हैं, लगता है इसका दूसरा बच्चा पहले ही मर चुका है। चलो मैंने गॉडज़िला का पूरा खानदान खत्म कर दिया। मजा आ गया। अरे मैं पैसे लेने तो भूल ही गया, पर मैंने अभी ये क्या देखा, वो कौन था? उसने मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहना को मार डाला, और उसी ने मेरे पापा को मारा था। अब मेरा कोई भी नहीं रहा, पहले मेरे पापा को मारा उसने, अब मेरी मम्मी को, और अब मेरी छोटी बहना को भी उसने मार डाला। वो कौन है? मैं उससे बदला जरूर लूंगा, पर मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ, मैं अपनी दोस्तों की मदद लूंगा जाके। अभी सिंचन और सुमित को मैं सारी बातें बता दूंगा, मेरी छोटी बहना और मेरी मम्मी को मार डाला उसने, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उससे मैं जरूर बदला लूंगा। सिंचन सुमित मेरी मदद करो, मेरे मम्मी पापा का बदला लेना है मुझे, मेरी छोटी बहना का। ये मैं आया, और ये बूम आई लग गई। सुमित भैया यार तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। अब सिंचन यार मेरा पैर फिसल गया था। सुमित भैया बच गए, कहीं कमर वमर तो नहीं टूट गई? अब ना कमर वमर ना टूटा करे मेरी। सुमित भैया बच गए, अभी डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता, अब जाते रिटर्न है। अरे सुमित भैया मैं तुम्हारी तरह बंदर की जात नहीं हूँ, मतलब सुमित मतलब तुम ही होगे बंदर, मुझे नहीं कूदना इतना ज्यादा, अपनी पिछवाड़ा नहीं तोड़वाना मेरे को। यार तो सिंचन ज्यादा नहीं बोलता है क्या? अरे सुमित भैया मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, गॉडज़िला कहाँ पर रह गया? अब यार उसने बोला था कि दोपहर तक आ जाएगा, यार दोपहर हो भी गई, अभी तक आया ही नहीं है वो। सुमित भैया वो कहाँ पर रह गया होगा? यार उसके साथ खेलना है, बहुत मजा आएगा। अब आता ही होगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, आज तो अपन कोई तगड़ा वाला गेम खेलेंगे। सुमित भैया आज छुपम छुपाई खेलेंगे? नहीं छुपम छुपाई तो डेली खेलते हैं, अब एक काम करेंगे आज अपन उसके ऊपर बैठ के शहर घूमेंगे। अरे समित भैया यार ऐसे मत करो यार, वो बेचारा पतला सा दुबला सा है। तो क्या हो गया पतला दुबला है तो? समित सिंचन मेरी मदद करो, समित सिंचन मेरी मदद करो, मेरे मम्मी मेरी बहन को मार डाला। अबे गॉडज़िला तू आ गया, कहाँ रह गया था? अरे गॉडज़िला यार तूने दोपहर तक आने को कहा था, इतनी देर कहाँ लग गई तेरे को? अरे हाँ क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे समित मेरी मदद करो। समित क्या हो गया? अरे समित मेरी छोटी बहना और मेरे मम्मी को मार डाला। क्या बात कर रहा है, किसने? अरे उसी ने जिसने मेरे पापा को मारा था। ओए उसकी इतनी हिम्मत! समित भैया ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। समित प्लीज मेरी मदद करो, सिंचन समित तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मेरे को ताकतवर बना दो ना, जिस
से मैं अपनी मम्मी पापा का बदला ले सकूं उस मॉन्स्टर से। उसने मेरी मम्मी पापा के साथ कितना बुरा किया है। तू टेंशन मत ले, हम अपने मम्मी पापा का बदला जरूर लेंगे। सुमित भैया उसके, अबे सिंचन अपना दोस्त है यार, उसके मम्मी पापा अपने मम्मी पापा। हाँ सुमित भैया सही कह रहे हो तुम। गाइस यार प्रॉब्लम ये है भाई, गोडजिला तू तो भी बहुत ज्यादा छोटा है, उससे तू लड़ेगा कैसे? मैं ताकतवर बन के जाऊंगा। अबे यार तुझे ताकतवर बनने में 10-20 साल लग जाएंगे यार, 10-20 साल तक हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी कर सुमित, प्लीज मेरी मदद कर। रुक जाए एक सेकंड, मेरे को एक काम है यार, लेस्टर को फोन मिला के पूछता हूँ यार, लेस्टर को पता होगा। हेलो लेस्टर, यार मेरे को तेरी मदद चाहिए यार, वो मैंने बताया था ना गोडजिला है यार, वो मेरे गोडजिला दोस्तों के पीछे पड़ा है और आज उसने उसके मम्मी पापा को मार दिया। अरे सुमित तू टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे को पता चला है मिलिट्री वालों के पास एक खतरनाक वाला वेपन है, वो किसी भी गोडजिला को मार सकते हैं उससे। ठीक है शुक्रिया। चलो गाइस यार, लेस्टर ने मेरे को बताया कि यार मिलिट्री वालों ने खतरनाक वाला कोई वेपन बनाया है जिससे हम उस बुरे वाले गोडजिला को मार सकते हैं, जिसने हमारे अच्छे गोडजिला के मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन को मारा, अब उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। सुमित भैया क्या बात हो, ये क्या करना है अब? अब तू टेंशन मत ले गोडजिला। अरे कैसे टेंशन नहीं लूं, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, हम रहे हम तेरे दोस्त यार, तू टेंशन मत ले, और हम तेरे मम्मी पापा और तेरी बहन का बदला जरूर लेंगे उस गंदे गोडजिला से। सिंचन मेरी बात हो गई है फिलहाल। सुमित भैया किससे? लेस्टर से मेरी बात हुई है, मिलिट्री वालों ने कोई खतरनाक वेपन बनाया बताया जिससे हम उस गोडजिला को मार सकते हैं। सुमित भैया देख लो यार, मिलिट्री के अंदर कैसे जाओगे, वो मेरा काम है, तुम लोग घर पर ही रहना ठीक है, और ध्यान रखना कि वो गोडजिला तुझे मारने ना आए, ठीक है ना? वो बुरा गोडजिला तेरे पीछे जरूर पड़ा होगा क्योंकि वहां पर तू था नहीं और उसको पता है कि तेरी बहन और तू है। अरे सुमित भैया बिल्कुल सही कह रहे, गोडजिला तू घर से मत जाइयो बिल्कुल भी, ठीक है सुमित, पर प्लीज मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन का बदला जरूर लेना है तुम्हें। अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा और सबका बदला लूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सबसे पहले जाके यार मैं यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर तुम्हारे भाई ने फर्जी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली है और अब इस यूनिफॉर्म को पहन के हम लोग जाने वाले मिलिट्री बेस के अंदर। अरे ये दोनों कहाँ चले गए यार? अबे यार इनको कहीं गोडजिला तो नहीं उठा ले गया? यार मैंने उनको बोला था ध्यान रखना अपना। गाइस यार ये दोनों कहाँ चले गए यार, इनको तो गोडजिला उठा ले गया लगता है मेरे को, जल्दी से इन लोगों को ढूंढता हूँ। सिंचन अबे गोडजिला कहाँ चले गए यार, ये दोनों कहाँ चले गए यार, अभी तो यही थे, ये क्या हो गया? जल्दी से अंदर जाके देखता हूँ। सिंचन गोडजिला कहाँ हो तुम लोग? अरे समित भैया क्यों चिल्ला रहे हो, ये रहा मैं यहाँ पर। अबे यार तुमने मुझे डरा दिया। हाँ समित भैया क्या हो गया? अरे मुझे समित भूख लग रही थी, मैं खाना खाने आया था। अच्छा यार बता तो जाते, ठीक है तुम लोग अपना ध्यान रखना, खाना जो खाना है वो खा लेना, और ठीक है घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, अगर कोई भी तुम्हें लगे कोई आ रहा है घर के पास तो मेरे पास फोन मिला देना, ठीक है? ठीक है समित भैया, तुम मिशन के अंदर कामयाब होना जरूर। हाँ जरूर होऊंगा यार, अपने दोस्त की मदद जो करनी है हमें, उस गंदे गोडजिला को मारना जो है। गाइस यार अगर आप लोग भी चाहते हो यार हम अपने अच्छे गोडजिला के मम्मी पापा और उसकी बहन का बदला ले उस गंदे गोडजिला, तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार गोडजिला ओपी, जिससे हम अपने मिशन को कंप्लीट कर पाए और यार वो खतरनाक वेपन चुरा पाए मिलिट्री बेस से, जिससे हम उस गंदे वाले गोडजिला को मार पाएंगे। लेट्स गो गाइस यार, चलते हैं जल्दी सी। पर यार अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि मेरे को जो वो मशीन चुरानी है ना, मतलब जो भी वो वेपन है वो मेरे को चुराना है असल में मिलिट्री बेस से, और तुम्हें पता है मिलिट्री बेस के अंदर कितनी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। पर कोई ना कोई प्लान तो मैं चलो रास्ते में बना ही लूंगा। लेट्स गो गाइस, चलते हैं जल्दी सी, आ रहा हूं मिलिट्री बेस वालों, तुम्हारी ऐसी तैसी। चलो जाके चेक कर लेता हूं कि ऑयल टैंक खत्म तो नहीं हो गए, अगर ऑयल टैंक खत्म हो गए होंगे ना तो हम उस मेगा गोडजिला को चला नहीं पाएंगे। जल्दी जाके चेक कर लेता हूं। अरे ये क्या, यहां पर ऑयल टैंक खाली खड़ा है या फिर भरा है पता नहीं, मेरे को यार किसी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, कर्नल होके सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। चलो देखता हूँ ऑयल है क्या नहीं है। और ये क्या, यहाँ पर तो सारे के सारा ऑयल कहाँ चला गया, मैंने यहाँ पूरा ऑयल भर रखा था, लगता है कोई पी गया या फिर चोरी हो गया। अबे यहाँ पर इतना सारा ऑयल था, अब हम मेगा गोडजिला को कैसे चलाएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमें कोई ना कोई किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अरे सोल्जर्स। ओके तो गाइस यार मेरे को पता था कर्नल यहाँ पर आने वाले और मैंने ही ऑयल निकाल लिया सारा। कर्नल साहब नमस्ते। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? पुलिस वालों को मिलिट्री बेस के अंदर आना अलाउड नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे सर एक्चुअली ये ले तेरी ऐसी तैसी। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हमने कर्नल साहब की बैंड बजा दी है और मैंने कर्नल साहब से कर्नल साहब की आईडी ले ली है, जिससे यार मैं मिलिट्री बेस के अंदर जा पाऊंगा और मेरे को कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। चलो यार जल्दी चलते हैं यार, इनकी ही गाड़ी लेके चलता हूँ, इससे ये फायदा होगा अगर मैं कोई दूसरी गाड़ी लेके जाऊंगा ना मिलिट्री बेस के अंदर, तो गाइस यार प्रॉब्लम ये होगी भाई, वो लोग मेरे को देख लेंगे और भाई अंदर ही नहीं जाने देंगे, कम से कम मिलिट्री वाली गाड़ी से मैं अंदर तो जा पाऊंगा और ऊपर से मेरे पास कर्नल साहब की आईडी भी है, और इजी हो जाएगा यार मेरे लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये प्लान करके जाऊंगा, पर ठीक अब ये प्लान बन गया, तो चलो अंदर चलते हैं जल्दी से। अरे गेट खोलो खोलो। चले यार तेरी ऐसी है ना, कोई भाई कोई गेट पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए मिलिट्री वाले। कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से चलते और जाके देखता हूँ भाई साहब वो कहाँ पर होगा वो वेपन जिसके बारे में लेस्टर मुझे बता रहा था। और यार लेस्टर से मैंने और ज्यादा बात की अभी जब मैं मिलिट्री बेस की तरफ आ रहा था, तो उसने मेरे को बताया कि असल में जो वो वेपन है ना
वो है असल में मेकागोडजिला। तुम लोगों ने नाम तो सुना ही होगा ना। मेकागोडजिला एक खतरनाक तरीके का रोबोट है जो बिल्कुल गोडजिला जैसा दिखता है। अब देखो यार वो कहां पर होगा, और वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा यार। यहीं कहीं पर होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है, अंदर नहीं बना सकते उसको, यहीं ओपन में होना चाहिए। देखो यार कहीं पर तुम्हें मेकागोडजिला नजर आ रहा है क्या? अबे यार कहां पर है मेकागोडजिला, दिख तो जाए। ओए ये रहा गाइस, यार ये है वो चीज जिसके बारे में बता रहा हूं। ये है वो वेपन जिससे हम यार गोडजिला के मम्मी पापा और उसकी बहन का बदला ले पाएंगे। गाइस यार स्वयं भी कितने सारे पैंजर है यहाँ पर। ओ भाई साहब ऐसा लगता है भाई सब कुछ उड़ा देंगे एक सेकंड के अंदर। एक से खतरनाक मिसाइल्स है यहाँ पर भाई, लगता है सारे के सारे वेपन्स है ना मेकागोडजिला के अंदर डाल रहे हैं ये लोग, जिससे यार उस बुरे वाले गोडजिला को मार सके। भाई क्या कमाल है, और सब कुछ कितना सब कुछ धांसू लग रहा है यार, कितना कमाल है। अरे वाह क्या मशीन बना रहे हम लोग, इस मशीन के आगे तो कोई भी नहीं रुक पाएगा। अरे तू कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है, पुलिस वाला होके मिलिट्री बेस के अंदर क्या कर रहा है तू? अरे मेरे को कर्नल साहब ने भेजा है। क्या कर्नल साहब ने भेजा है तेरे को, आईडी है तेरे पास? हाँ मेरे पास कर्नल साहब की आईडी है। अच्छा अच्छा तो ध्यान रखना, वहां से खड़े खड़े देखना। वैसे क्या है काम तुम्हें? अरे मेरे को कुछ नहीं, ये देखना कि मेकागोडजिला कितना बन गया। हाँ वो बस 99% बन चुका है, पूरा ही हो चुका है लगभग, बस उसकी टेस्टिंग बाकी है। और पास आने की कोशिश मत करना है क्योंकि ये एक मिलिट्री प्रॉपर्टी है, और पुलिस वालों को मिलिट्री प्रॉपर्टी को हाथ लगाने की भी अनुमति नहीं है। आया तुम्हें समझ? हाँ नहीं आऊंगा ना, निकलना यहाँ से टकले। और चलो थोड़ी देर में हमारा मेकागोडजिला तैयार हो जाएगा, फिर बूम बैम करेंगे। गाइस यार मेरे को लगा था कि यार अगर मैं कर्नल की आईडी ले आऊंगा ना तो गाइस यार मैं मेकागोडजिला के पास जा पाऊंगा, पर यहाँ पर भाई मेरे को अपना जो मेरे को प्लान है फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस यार मेरे को अब थोड़ी सख्ताई दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर छुप जाता हूँ। अब मेरे को निकालनी पड़ेगी यहाँ पर गन, और जितने भी यहाँ पर मिलिट्री वाले हैं ना सबको मारना पड़ेगा, और जैसे इनको मार दूंगा वैसे मैं मेकागोडजिला के अंदर बैठ जाऊंगा। चलो गाइस यार मारते, एक गया और ये दूसरा गया, जल्दी जल्दी सबको मार देता हूँ। सबसे पहले साइंटिस्ट को मारता हूँ, ये लो, और कोई तो जिंदा नहीं है ना। चलो गाइस यार लग तो नहीं रहा यहाँ पर कोई और है। ओए एक और बंदा है वहाँ पर, इनको मारता हूँ, ये ले, ये बचा आखिरी वाला, ये भी गया। गाइस यार मेरे पास ये साइलेंट गन थी इसलिए मैंने जब इनको इस साइड वालों को मारा ना भाई किसी को पता ही नहीं चला। भाई साहब कितना ज्यादा बड़ा है यार ये सेमी। चलो इसके अंदर जल्दी से बैठता हूँ भाई, ये गए हम लोग इसके अंदर, लेट्स गो गाइस। वूहू गाइस यार कितनी खतरनाक मशीन है सेमी ये, भाई क्या ही मशीन है भाई, बिल्कुल धांसू बिल्कुल लाजवाब। ओ बेटे क्या पावर भाई, मैंने असल में मिलिट्री का सबसे भारी टैंक उठा के फेंका है लगभग 20 से 40 किलो टन का, 40 किलो नहीं 40 किलो टन। हाँ आपके पास सही बोला है मैंने भाई, बहुत ज्यादा ताकतवर भाई है मैं का गोडजिला तो। ओ भाई साहब अब हम लोग अपने अच्छे गोडजिला का बदला जरूर लेंगे, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन का बदला हम लोग जरूर लेने वाले हैं। ओ ये क्या है भाई, क्या पावरफुल है भाई ये सेमी, बहुत ज्यादा पावरफुल है यार, इतना पावरफुल मेरे को लग नहीं रहा था हम लोग इतना खतरनाक बनेंगे, पर कोई बात नहीं। चलो अब लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि यार मिलिट्री वाले मेरे पीछे पड़ जाए। इसको घर लेके चलता हूँ और फिर यार हम लोग लेंगे अपने दोस्त का बदला, इसकी ऐसी तैसी गंदे गोडजिला मैं आ रहा हूँ तेरे को मारने के लिए, बेटे बच के रहियो मुझसे। ओके तो गाइस यार हम लोग फाइनली मेकागोडजिला को लेके आ चुके अपने घर पर। समित भैया ये क्या उठा लाए, ये क्या वो वेपन? हाँ सिंचन यही है। अरे समित शुक्रिया यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अबे दोस्ती में सब कुछ चलता है, तू टेंशन मत ले, अब तेरे मम्मी पापा का बदला लेंगे हम लोग इस खतरनाक वाले मेकागोडजिला से। अरे समित भैया मुझे पता चला है कि अभी न्यूज के अंदर कि वो जो गंदा गोडजिला वो यहीं पर ही आ रहा है। क्यों क्यों आ रहा है यहाँ पर? उसे पता चल चुका है कि मैं तेरे पास हूँ। क्या बात कर रहा है, उसको पता चल चुका है? तो गाइस यार किस बात की देरी, वो मेरे घर पर आएगा फिर हम उसको जो मुंह की चखाएंगे, तू बस देखता जाइयो सिंचन। हाँ समित भैया मैं भी देख ही रहा हूँ। समित प्लीज मेरे मम्मी पापा का बदला जरूर लियो। भाई जरूर लेगा, तेरा दोस्त हूँ ना मैं जरूर लूंगा तेरे मम्मी पापा का बदला। गाइस यार आप लोग भी हमारे साथ हो तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो गोडजिला ओपी। चलो बैठते मशीन के अंदर। मरोगे तुम सारे। अबे ये कौन बोला? मैं बोला। ओ शिट गाइस यार ये तो वही गंदा गोडजिला है, मैं इस छोटे वाले गोडजिला को भी मार डालूंगा, मेरे अलावा और कोई गोडजिला लॉस सैंटोस के अंदर नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगा और तुम इसके दोस्तों में तुम्हें भी मार डालूंगा। तेरी ऐसी तैसी, चलो गाइस यार जल्दी से अपने मेका गोडजिला के अंदर बैठने का टाइम आ चुका है, ये लो हम लोग चले अंदर। तो गाइस यार अभी भाई हम लोग यहाँ पर आ चुके सेंटर में, बिल्कुल भाई टाउन के, टाउन ही हमारा शहर है, इसके बीचों बीच आ चुके क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे दोस्तों को कोई खतरा हो। और गाइस यार ये देखो भाई, ये तो छोटी सी छिपकली लग रही मेरे सामने, हम कितने ज्यादा बड़े हैं यार। हाँ ये क्या, ये कैसा गोडजिला है, लोहे का। मुझे दर्द भी नहीं होता क्योंकि मैं लोहे का गोडजिला हूँ, तेरी तरह नहीं। ये ले, ओ भाई साहब क्या मार रहा हूँ इसको फेंक फेंक के। हाँ
बहुत हुआ, अब मेरी बारी। अबे क्या करेगा तू, मेरा कुछ नहीं कर सकता। ओए एक सेकंड, लगता है इसने अपनी खाल छोड़ दी यार, ये बिल्कुल सांप की तरह है यार, इसने अपनी बॉडी चेंज कर ली। जब एक बॉडी मर गई ज्यादा देर तक तो ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि सांप भी 2 से 3 बार अपनी खाल छोड़ सकता है, उसके बाद उसे भी दर्द होने लग जाता है। अब तेरी बैंड बजेगी बेटा, बहुत बुरा मारूंगा तेरे को। तूने मेरे दोस्त के मम्मी पापा को मारा तो मारा कैसे, और उसकी छोटी बहन को हाथ लगाया, तेरे को शर्म नहीं आई एक छोटी सी लड़की के ऊपर वार करते हुए? तू बचेगा नहीं गंदे गोडजिला, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। भाई साहब ये चाहे इतना ज्यादा छोटा पर पावरफुल काफी ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है मैका गोडजिला, मैका गोडजिला का आगे कोई कुछ भी नहीं है। तो गाइस यार यहाँ पर हमने अपने दोस्त का बदला ले लिया यार, हमने उसको बहुत बुरा मारा, लेजर पे लेजर मारी तुम्हारे भाई ने इसमें, भाई जला दिया, ये ले जला के राख कर दूंगा। ओ भाई साहब देख रहे हो इतनी ज्यादा तपत है कि ये हवा में उड़ रहा है, भाई कितनी ज्यादा तपत है भाई, खतरनाक बिल्कुल। ये ले ओ बेटे क्या मार रहे हम लोग इसको, मजा आ गया यार। सही मैका गोडजिला तो सही बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन है यार, मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतनी खतरनाक वाली पावरफुल मशीन लेके आऊंगा मिलिट्री बेस में से, भाई क्या बनाई है साइंटिस्टों ने। चलो यार फाइनली हमने इस गंदे छिपकली मतलब इस गंदे गोडजिला को मार डाला, आप लोग ने अगर मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं इसको कभी नहीं मार पाता। तो गाइस यार चलो जल्दी से अपने घर पर चलते हैं, आ रहा हूं मेरे दोस्त, हमने आखिरकार गोडजिला को मार डाला, गंदे गोडजिला को। भाई साहब ये सही कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ के खड़ा है। समित भैया पता नहीं बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, लगता है तुमने इसे तोड़ दिया। अबे मैंने नहीं तोड़ा कुछ भी। समित भैया मजा आ गए, हम लोग जीत गए। हाँ जीत गए, आ रहा हूँ रुक जाओ ऊपर ही आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। समित भैया जल्दी आ जाओ, फिर क्या कर रहे हो? भाई सब सिंचन है ना कमाल की मशीन। अरे समित शुक्रिया यार तूने मेरा बदला ले लिया। अबे यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज तेरा बदला क्या, हमने लॉस सैंटोस को उस बुरे गोडजिला से बचाया, आज तेरे ऊपर हमला किया था मतलब तेरी फैमिली के ऊपर, कल ना पता हमारे ऊपर भी हमला करता है यार, हमें उसको मारना ही था। हाँ समित भैया सही कह रहे हो। तो गाइस यार हमारा बदला हो गया पूरा, और लगता है ये मशीन टूट चुकी है, इसको सही कराने के लिए वापस दिया आऊंगा मैं। हाँ ऐसे मित्र तुम्हारे बाप की है ना, बच्चों पर है ना। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आयो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी मेक्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहले बार भूल भटके आए तो मेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक ले सायोनारा।